वेलकम टू नैव क्लासेस। अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड हो। सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो एक्सपेक्टेड होंगे और कुछ बेसिक्स मैं डिस्कस कर लूंगी। हेलो फ्रेंड्स, आई एम नवदीप कौर एंड आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर फॉलो जरूर कीजिएगा और मेरे सारे कोर्सेज एनरोल करते रहिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मैं न्यू लेसन वहाँ पर ऐड करूँ। सभी लेसन मेरे वहाँ पर कोर्स फॉर्म में है और जो इजी टू अंडरस्टैंड है और आपको एक ही जगह पर सभी लेसन वहाँ पर मिल जाएंगी। सो आप अनअकैडमी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे क्लिक करोगे आपको प्रॉम्प्ट करेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो बेसिक्स में यही है, मेनली जो फीमेल होती हैं उनको हम सर्कल से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो फीमेल होती हैं, जो लेडीज होती हैं उनको हम सर्कल से डिनोट करते हैं, जैसे सिस्टर हो गई, मदर हो गई, डॉटर हो गई, उन सबको सर्कल से डिनोट करेंगे। जितने भी मेल होते हैं, बॉय गर्ल जो होती है, वो सारी हमने सर्कल से डिनोट कर दी, और जो बॉय है मैन है उसको हमने स्क्वायर से डिनोट कर दिया, इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जनरेशन गैप हम इस तरीके से वर्टिकल दिखाते हैं। मान लो यहाँ पे एक आई है, आई के फादर उसके ऊपर आएंगे, उसके ग्रैंडफादर उसके ऊपर आएंगे और उसके ग्रेट फादर उसके ऊपर आएंगे। सो ये बेसिकली रह गया था, तो यहाँ पर ग्रेट फादर भी होते हैं जैसे कि परदादा जी, पर पोता। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे अगर ये ग्रेट फादर है तो इनका बेटा कौन हुआ, इनका बेटा तो ये हुआ, और फिर उसके नीचे एक और, फिर ये आए। ठीक है, तो यहाँ पे इनका सन हुआ, ये सन इन लो, ये हुआ इनके हिसाब से सन इन लो के बाद। अब ये इनका क्या कहलाएगा, ये इनका ग्रेट सन कहलाएगा। इनके तरफ से देखो तो इस तरीके से होता है। तो ये जो हायरार्की है हम जनरेशन गैप वर्टिकली दिखाते हैं ऐसे करके। ठीक है, और अगर हमारा एक ही जनरेशन में कोई आता है, ब्रदर सिस्टर आते, तो उनको हम कैसे दिखाते हैं, ऐसे करके दिखाते हैं, मतलब सीधा इस हॉरिजॉन्टली दिखाते हैं। ये मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी ये आज का इंपॉर्टेंट था कि ग्रेट फादर और ग्रेट सन इंक्लूड नहीं किया था लास्ट लेसन में, और अगर आपने मेरा लास्ट लेसन नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑल ब्लड रिलेशन वीडियोज वाला लिंक है, वहां से फर्स्ट वाली ब्लड रिलेशन देखना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा एक और होता है, चलो ठीक है मदर फादर हो गए, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि एक फादर ने दूसरी शादी की हो, तो वो कौन कहलाएगी, उसकी स्टेप मॉम कहलाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर दूसरी शादी की है तो सौतेला भाई कौन कहलाएगा, स्टेप ब्रदर कहलाएगा, और सौतेली बहन क्या कहलाएगी, स्टेप सिस्टर कहलाएगी। आज मैं थोड़ा हाई लेवल का ब्लड रिलेशन लेकर आई हूँ, लेट अस सी। राम इज फादर ऑफ कुशा, यहाँ पे क्या बोला है, राम कुशा का फादर है, राम कुशा का फादर है। तो ये देखिएगा जो राम है वो कौन है, फादर, फादर कौन होता है, मेल होता है। ठीक है, और कुशा का फादर है, कुशा यहाँ आ गई। ठीक है, इसके बाद बट कुशा इज नॉट सन, लेकिन कुशा कौन है, कुशा बेटा नहीं है। तो क्या हुआ, कॉमन सेंस की बात लगाओ, अगर कुशन बेटा नहीं है कुशा, तो कुशा कौन हुई, कुशा हुई डॉटर, तो कुशा कौन हो गई, कुशा हो गई डॉटर। सो उसके आगे पढ़ते हैं, अब माला इज डॉटर ऑफ कुशा, अब कुशा तो डॉटर हो गई, ये हमने यहाँ पर समझ लिया था कि कुशा डॉटर हो गई, और अब माला कौन है, माला क्या है, माला कुशा की डॉटर है। सो समझ में आ गया, अब माला कुशा की डॉटर है। अब इसके आगे लिखा है शलाका इज द स्पाउस ऑफ राम। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही कि मैं कैसे कैसे बना रही हूँ तो प्लीज इसका बेसिक वाला लेसन जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फर्स्ट वाला लिंक है उसके अंदर जरूर देखना। ठीक है, सो अब इसके आगे पढ़ती हूँ, शलाका इज स्पाउस ऑफ राम। अब स्पाउस का क्या मतलब होता है, स्पाउस का मतलब हस्बैंड या वाइफ। ठीक है, तो ये राम तो हस्बैंड है, मतलब जेंट्स है, तो अब शलाका कौन होगी, शलाका फीमेल होगी। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हम प्लस से दिखाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा रिलेशन ये है जो हम प्लस से दिखाते हैं। अब ये कौन है, ये शलाका है। ठीक है, सो ये शलाका है, तो इसका मतलब ये कौन हो गई, ये वाइफ हुई इसकी। अब बताते हैं, गोपाल इज ब्रदर ऑफ कुशा, अब कुशा का भाई कौन है, कुशा का भाई है गोपाल। ठीक है, गोपाल इज ब्रदर ऑफ कुशा, हरि इज सन ऑफ गोपाल, अब गोपाल का बेटा कौन है, हैरी। सो हैरी हो गया गोपाल का बेटा। सो आपको यहां तो समझ में आ गया ना कि गोपाल सन है और हैरी गोपाल का सन है, तो यानी कि ये भी बेटा हो गया।
उसके बाद मीना इज स्पाउस ऑफ गोपाल, और गोपाल की स्पाउस है यानी कि अब ये मीना कौन हो गई, लेडीज ही होगी ना अगर ये जेंट्स है तो, मीना स्पाउस है गोपाल की. देन गणपत इज फादर ऑफ मीना, अब जो मीना है उसके फादर कौन है, मीना के फादर हैं गणपत. ठीक है, मीना के फादर यानी कि मीना के पापा हैं गणपत, गणपत मीना के पापा हैं. उसके आगे चलते हैं, हु इज ग्रैंड डॉटर ऑफ राम, राम की ग्रैंड डॉटर कौन है. अब देखो यहाँ पे इतनी सारी रामायण तो इन्होंने पढ़ ली, लेकिन क्वेश्चन का आंसर कहाँ छुपा था, बस पहली दो लाइनों में ही छुपा था. ठीक है, सो आपको बताना क्या है, ग्रैंड डॉटर ऑफ राम, ग्रैंड डॉटर के अंदर कितने जनरेशन का गैप होता है, दो जनरेशन का, यानी कि ये तो इसकी बेटी है, बेटी की बेटी कौन हुई, ग्रैंड डॉटर. तो आंसर क्या हुआ, माला यहाँ पर आंसर था. फिर भी आपको मैंने पूरा ये ड्रॉ करके इसलिए समझाया है कि हो सकता है इसकी जगह कोई और क्वेश्चन अब पूछ ले, और उसका आंसर मुझे कमेंट में देना आपने. ठीक है, गोपाल का फादर इन लॉ कौन है, क्या पूछा है यहाँ पे, गोपाल का, गोपाल का फादर इन लॉ पूछा है यहाँ पे. ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे, मैं देखती हूँ आप सही देते हो या नहीं. है कि पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ, फोटोग्राफ की तरफ को पॉइंट करते हुए वाजपेयी कहता है ही इज द सन ऑफ, ही का मतलब कौन हुआ, ही का मतलब हुआ मेल, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर मेल लगाएंगे कि ही इज, सो लेट मी मेक दिस हियर, क्योंकि वो बेटा है ना, तो ही इज सन, यानी कि अगर वो बेटा है तो यानी कि इस तरीके से इसके ऊपर भी कोई आएगा. इस तरीके से नजरिया अपना रखो कि अगर कोई बेटा है, बेटा है तो इसका मतलब उसके ऊपर उसके पेरेंट्स होंगे. ठीक है, तो यानी कि उसके जनरेशन गैप इस तरीके से आएगी, ही इज द सन ऑफ, वो बेटा है किसी का, सन ऑफ द ओनली डॉटर, इकलौती बेटी का सन है, इकलौती बेटी का बेटा है, तो यहाँ पे इसकी मम्मी आएगी, उसका मतलब ऊपर. समझ में आया कि वो इकलौती बेटी का बेटा है, बेटी का बेटा है तो ये इसकी तो मम्मी लगी ना. ठीक है, सो बेटी का बेटा है, आगे चलो, ओनली ही इज द सन ऑफ ओनली डॉटर ऑफ फादर, ये डॉटर किसकी है, किसी फादर की है. चलो इसके ऊपर हम कि हम हमें इसके ऊपर एक फादर भी बनाने पड़ेंगे, ये डॉटर है किसी फादर की. ठीक है, फादर ऑफ माई ब्रदर, माई का मतलब मेरा भाई, मेरा भाई बोल कौन रहा है, वाजपेयी बोल रहा है, वाजपेयी बोल रहा है, तो यहाँ पे कोई भाई, देखो यहाँ पे वाजपेयी है, वाजपेयी का ब्रदर है, ब्रदर का रिलेशन कहाँ आता है, ब्रदर का रिलेशन सेम ही उसमें आता है. ठीक है, ये वाजपेयी का भाई है, और ये कौन है, ओनली डॉटर ऑफ फादर ऑफ माई ब्रदर. ठीक है, वाजपेयी के भाई के पापा, वाजपेयी के भाई के पापा. ठीक है, मतलब ये इसके पापा हो गए, और इसकी इकलौती डॉटर, यानी कि ये इकलौती डॉटर है, तो इनकी इकलौती सिस्टर हुई. अब ये समझो कि अगर आपके पापा की बेटी होगी तो वो आपकी कौन लगेगी, आपकी सिस्टर लगेगी. तो यहाँ पर इकलौती बेटी है, तो इसका मतलब इससे ऑटोमेटिकली आपको पता चल गया कि यहाँ पर इकलौती बेटी है, ओनली डॉटर है, इकलौती बेटी है, तो यानी कि ये वाजपेयी कौन हुआ, वाजपेयी भी यहाँ पर मेल हो गया. ठीक है, अब आपको क्वेश्चन क्या कहता है ये समझो. सो आई होप यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कोई है, मैन है, यानी कि कोई ही है जो भी था. ठीक है, फोटोग्राफ में उसकी वो क्या है, इकलौती डॉटर का सन है, यानी कि इकलौती बेटी का सन है, तो यानी कि इसके ऊपर इकलौती बेटी आ जाएगी, इसकी मम्मी हो गई इसका मतलब ये. ठीक है, और ये इकलौती डॉटर किसकी है, फादर ऑफ माई ब्रदर, ये वाजपेयी के भाई के फादर की इकलौती बेटी है. ये सी समझ में आ गई. क्वेश्चन बोलता है हाउ वाजपेयी इज रिलेटेड टू मैन इन फोटोग्राफ. अब ये वाजपेयी इस आदमी के साथ, मैन कौन सा है, ये रहा ही का मतलब मैन. ठीक है, ये वाजपेयी का और इस मैन का क्या रिलेशन है, आपको ये बताना है. अब देखो यहाँ पे ये किसका बेटा है, ये इसका बेटा है. ठीक है, और वाजपेयी और इसमें क्या रिलेशन है, ब्रदर सिस्टर का रिलेशन है. जो सिस्टर का बेटा होता है, यानी कि कोई अगर मान लो आप हो, आपकी बहन का जो बेटा होगा, ठीक है, तो वो उसके आप क्या लगोगे, उसके आप क्या लगोगे, ये कौन लगेगा उसका, ये तो मैटरनल अंकल लगा ना, मैटरनल मतलब मम्मी के साइड का अंकल लगा. ठीक है, सो ये कौन हो गया, मम्मी के साइड का अंकल. अब बताओ मम्मी का जो भाई होता है वो एक पर्सन का क्या लगता है, ये जो पर्सन है इसका मम्मी का जो भाई है वो क्या लगेगा, हिंदी में अगर लिखा होगा तो क्या लिखेगा, मामा लगेगा. ठीक है, अगर ये मामा लगा हिंदी में तो ठीक है,
लेकिन इंग्लिश में ये कौन कहलाता है, ये मेटर्नल अंकल कहलाता है। मेटर्नल का क्या मतलब होता है, मम्मी के साइड का, खाली अंकल यानी कि पापा के साइड का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मदर्स ब्रदर यानी कि मेटर्नल अंकल। सो थैंक यू सो मच, आज हमने दो तरीके के समझ लिए कि कैसे होते हैं, और ये जो मैंने आज ब्लड रिलेशन कराया था ये टफ लेवल के थे, इनसे आसानी आते एग्जाम में, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका कमेंट सेक्शन में आंसर दे देना, और फेसबुक पेज ग्रुप में आप मुझे सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हो ताकि वहाँ पे जो मैं नोटिफिकेशन प्रोवाइड करूँ आपको मिलता रहे। ऑल द बेस्ट।